नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लेने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स, वो भी कुछ अलग तरीके से। तो चलो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। देखिए अभी जो है हम जो मैथ्स की ट्रिक्स ले रहे हैं वो वैदिक मैथ्स बुक से हैं, मैजिकल बुक फॉर फास्ट ट्रैक मेंटल मैथ्स और वैदिक मैथ्स बुक, इसमें से हम ले रहे हैं। ऑथर ने बहुत मेहनत की है तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ये बुक परचेज़ करके इसी में से प्रैक्टिस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इस बुक की लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हो। अच्छे से परचेस कीजिए और पढ़ाई भी कीजिए। और अगर आपको इन बिटवीन कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको कौन सी ट्रिक में कहाँ पर दिक्कत आई है। बुक्स में ढेरों ट्रिक्स दी गई है जिसमें से मैं कुछ ही डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलो बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लास्ट लेक्चर में हम केस 16 पे रुके थे, मल्टीप्लिकेशन बाय 25। देखिए कई बार क्या होता है कि हमें बड़ी फिगर दी जाती है कि 8, फॉर एग्जांपल यही है, सॉल्व 856346 इंटू 25। तो कई सारे कैंडिडेट जो है या तो 25 का टेबल बोलते हैं या तो फिर इसको 25 से गुना करने लगते हैं। बट हम जो है कुछ अलग तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पर जो ट्रिक में बताया गया 25 यानी कि क्या होता है, 25 इज इक्वल टू 100 बाय 4, तो हम 25 दे सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ की गई है इंटू 100 बाई 4, तो यहाँ पर जस्ट सिंपल है, इसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये फिगर बन जाती है 8563460, ठीक है। और इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब ये हम अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा यहाँ पर डायरेक्टली आंसर बन जाएगा ये रहा जो कि दिया गया है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनको दिक्कत है वो ये ट्रिक से आप कर सकते हो। और वैसे केवल 25 से नहीं, अलग अलग बहुत सारे नंबर्स की भी ट्रिक दी गई है यहाँ पर। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। देखिए यहाँ पर जो है एक टेबल बना के दे दिया गया है इस बुक में। तो दिस मेथड कैन सिमिलरली कैन बी अप्लाइड मल्टीप्लाइड विथ 5, 50, 12.5, 250 एक्सेट्रा। द प्रोसीजर विल बी द सेम एज डिस्कस अर्लियर एक्सेप्ट फॉर द चेंज इन द डिवीजर। डिवीजर में चेंज हो जाएगा। देखो अगर आपको मल्टीप्लाई बाय 5 दिया गया है, कोई भी फिगर है, फॉर एग्जांपल 25 इंटू 5 दिया गया है, तो आप ये कर सकते हो कि 10 बाय 2 कर सकते हो। तो 5 की जगह पे आपने 10 बाय 2 कर दिया तो 25 इंटू 10 बाय 2, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 250/2, यानी कि आपका आंसर सीधा 125 आ गया। देखिए आपको ये एक्सप्लेन करने में फिगर लंबी गई है बट क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर आपका छोटा हो गया, बिकॉज हम 10 से जल्दी से गुना कर सकते हैं इन कंपेयर टू 5। बिकॉज 10 में क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पर केवल एक जीरो लगाना पड़ता है किसी भी नंबर के पीछे। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑफ 25 या 5 स्क्वायर दिया जाए, 5 स्क्वायर या 25 दोनों सेम ही है, तो हम क्या करेंगे 100 बाय 4, जैसे कि अर्लियर क्वेश्चन में हमने देखा, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान है यहाँ पर। देखिए डिवीज़न से हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर रहे हैं। हमने यहाँ पर देखिए इस बुक में इतनी विशेषता है कि एडिशन बेस भी हमने मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया, सब्ट्रैक्शन बेस भी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया, और अब डिवीज़न बेस मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक हम यूज़ कर रहे हैं। तो बुक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी बढ़िया ट्रिक दी गई है, आप इस बुक को गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद इफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 50, तो आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ 50 दिया गया है तो आप क्या कर सकते हैं 100 बाय 2। तो देखिए ये यहाँ पर हमें कोरिलेट हो रहा है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारा कोरिलेशन हो रहा है। उसी प्रकार अगर आपको 6.25 के साथ मल्टीप्लिकेशन दिया जाए, देखिए ये इम्पोर्टेंट है। तो कुछ कैंडिडेट क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल 376265 फॉर एग्जांपल इनटू 6.25 दिया जाता है तो ये 4/3 का मल्टीप्लिकेशन करने शुरू हो जाते हैं। बट आपको वैसा नहीं करना है, आपको क्या लिखना है 100 डिवाइड बाई 16, बोलने में थोड़ी गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा। तो 100 डिवाइड बाई 16 अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 6.25 हमारी फिगर मिल जाती है। तो हम क्या करेंगे, अब 376500 डिवाइड बाई 16 कर लेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। अब इसको हमें डिवाइड करके आंसर देना पड़ेगा। तो देखिए अभी आपको 16 का टेबल आता ही है तो 16×32 यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा, आप इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो जस्ट सिंपल है, आपका आंसर बहुत ही इजी वे से आ सकता है। तो डिवीज़न बेस भी हमारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर बन जाता है। बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर जो है आपको अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन विद, ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन विद 12.5 दिया गया है। तो 12.5 दिया जाए उसके इसमें हम क्या करेंगे, 100 डिवाइड बाई 8, 100/8 करेंगे, यानी कि अगर 100 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 12.50 आंसर आता है या नहीं आता, मुझे बताइए। यस ऑफ कोर्स 12.50 ही आपका आंसर आएगा,
ठीक है, उसी प्रकार अगर हमें मल्टीप्लिकेशन विद 250 दिया जाए, तो ये तो आपको क्या दिख रहा है, 25 ही दिख रहा है ना। देखिए 25 में और 250 में सेम ही आएगा, 25 में बेस कितना था, 100 था, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 250 में एक जीरो और लग जाएगा, 1000 डिवाइड बाय 4। बहुत ही आसान तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, देखिए बहुत ही आसान की तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 125 और 5 क्यूब गिवन, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन विथ 125 दिया जाएगा या 5 क्यूब दिया जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 250 में क्या था, 100 बटा 1000 अपॉन 4 था, तो यहाँ पर 1000/8 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को आंसर दे सकते हो। देखिए एग्जामिनेशन में ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, बिकॉज आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि ये ट्रिक आप यूज़ करो या वो ट्रिक यूज़ करो, आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रिक यूज़ कर रहे हो। बिकॉज आपको एग्जामिनेशन में याद भी आना चाहिए कि ये सब ट्रिक हमने सीखी हुई है, नहीं तो क्या करोगे कैंडिडेट्स, आप करोगे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाएगा 37625 × 125 दिया जाएगा, तो आप 125 से गुना करना शुरू कर दोगे। ज़रूरत ही नहीं है, हम 1000/8 कर देंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आंसर दे सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ 500 दिया जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 1000/2 करेंगे, यानी कि 1000 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 500 आंसर बन जाएगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। ये ट्रिक को आपको याद रखना पड़ेगा किसके वक्त क्या आएगा और कैसे आएगा। अगर आप ये याद नहीं रख पा रहे हो तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। गाइस ध्यान दीजिए, आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होने के चांसेस है, आपको ये सब ट्रिक्स की लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आपको याद रहेगा। आपने एक बार देख लिया और सिर्फ समझ लिया तो उससे आपको ट्रिक याद आएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन बाय 625 दिया जाएगा, 625 यानी कि क्या होता है, 5 पावर 4। कई बार एग्जामिनेशन में ऐसा पूछा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल 3276 × 5 पावर 4, तो जस्ट सिंपल एक कैंडिडेट पहले 5 पावर 4 करने लगता है, तो एक्चुअल में 5 पावर 4 = 625 ही है, ठीक है, 625 है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही 625 दिखा आप 10000/16 कर लो, ठीक है, 3276 × 10000/16, तो इसका आंसर 625 ही बनता है। तो मैंने इसके अवेज में ये लिख दिया, तो आपका क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आएगा, ना कि लेट आएगा। आपको समझ में आ रहा है, होप सो पूरी तरीके से क्लियर हो रहा है, इज इट क्लियर। तो गाइज आप प्रॉपर ध्यान दीजिएगा तो आपको वो चैप्टर जो है इजी लगने लगेगा, नहीं तो आपको चैप्टर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। कृपया ध्यान दीजिए गाइज, देखिए हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक है वो क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, अगर आपको 1250 से मल्टीप्लाई करना है तो देन मल्टीप्लाई बाय 10000/8। अगर हमें 1250 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज 1250 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर 10000 बनता है, तो हम 10000/8 कर लेंगे, तो हम फाइनली क्या कर रहे हैं, हम 1250 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसी प्रकार इफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2500, तो इफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2500 दिया जाएगा तो 10000/4 कर लेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 2500 बनेगा, इज इट क्लियर। तो देखिए ये जो है, ये जो कॉलम, जो पूरा का पूरा कॉलम है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप गाइज इसकी तैयारी कीजिए, आपको ये सब केवल एक दो बार रिमेंबर करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। आप इसे समझ लोगे तो आपके जो क्वेश्चंस के जो मल्टीप्लिकेशन की स्पीड है वो आपकी 10 गुनी हो जाएगी, वो 10 टाइम्स हो जाएगा, आप 10x रफ्तार से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और देखो मल्टीप्लिकेशन का मैं एक एक टॉपिक जो है बहुत ध्यान से ले रहा हूँ, मेरे अभी जो है मैं दिन में 2-2 लेक्चर्स ले रहा हूँ, आप भी समझ पा रहे होंगे। बिकॉज हमें जो है ये बुक जो है नेक्स्ट वीक के एंड तक पूरी तरीके से फिनिश कर देनी है, जल्द से जल्द, ठीक है, ताकि हम कोई और बुक उठा सके या और किसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सके। बिकॉज मैथमेटिक्स केवल इतना नहीं है, मैथमेटिक्स बहुत बड़ा सागर है, उस सागर के अंदर हमें डुबकी लगानी ही पड़ेगी और तब जाके हमें मैथमेटिक्स आएगा। बट मैं मैथ्स के ये यहाँ पर इस लेवल से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज जिस भी कैंडिडेट को मैथ्स का फियर है ना, वो फियर दूर करना है मुझे। आपको क्या है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना के दे रहा हूँ मैं कि भाई ये देखो ये सब चीज़ें हैं, इससे आपको इंटरेस्ट भी जाएगा और आप इसके प्रैक्टिस भी करना चाहोगे, बिकॉज ये अब आपके लिए एक गेम हो चुका है, मैथमेटिक्स अभी आपके लिए एक गेम हो चुका है, आप इसे समझने की कोशिश करो।
अब देखिए गाइज, यहाँ पर एग्जांपल नंबर 45 दिया गया है, 6674 × 625। तो कई सारे कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर 4 डिजिट × 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बैठ जाएंगे, बट मैं नहीं करूँगा बिकॉज 6674, अब 625 है तो आपको दिमाग में ही है 10,000/16। तो इसको 6674 4 × 0 एंड इसको हम 16 से डिवाइड कर देंगे, तो 16 4 = 64 बचा 2 27, 16 1 = 16 बचा 11 114, 16 7 = 112 एंड सो ऑन। हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 4171250। मैं कैलकुलेशन पूरा नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अभी तक हमने डिवीजन सीखा नहीं है, तो डिवीजन भी हमें सीखना है और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, बिकॉज देखिए हमने बेसिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स ले रहे हैं और स्पेशली मल्टीप्लीकेशंस के ऊपर आपके हद से ज़्यादा लेक्चर्स हो रहे हैं, बिकॉज मल्टीप्लीकेशंस में अनगिनत ट्रिक्स है, अनगिनत मेथड्स है, तो उस मेथड को हम सीख रहे हैं ताकि आपको जो है मल्टीप्लाई करने में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है गाइज, तो जस्ट सिंपल है, अभी जो है मैं इतना ही लेना चाहूँगा। देखिए आज का जो सेशन है आपका यहीं पर मैं फिनिश करना चाहूँगा। आप सभी को रिक्वेस्ट है कि इसका आप स्नैपशॉट ले लीजिए या बुक परचेस कर लीजिए, तो उसमें से क्या होगा कि आपको ये हमेशा याद रहेगा, आपके पास ये बुक हमेशा होनी चाहिए, बिकॉज ये केवल आपको ही नहीं आपके यंगर ब्रदर सिस्टर्स को भी हेल्प करने वाली है, और इवन इफ आपको आगे जाके आपके जो चाइल्ड आएंगे उनको भी ये वैदिक मैथ्स बुक की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बिकॉज मैथ्स के बगैर जीवन संभव नहीं है। तो मैथ्स जो है आपको 1 to 10 स्टैंडर्ड में आते ही आते हैं, तो भविष्य में आपके चाइल्ड के लिए भी ये बुक की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो गाइज मुझे ये बताइए कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और ये ट्रिक सब कैसी है। आप अगर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।